नमस्कार, हिंदू ज्वाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से महाराष्ट्र की पहली संविधान परिषद का आयोजन नागपुर में संपन्न हुआ, जिसमें विदर्भ के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आजादी का अमृत महोत्सव तथा राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्मृति शताब्दी वर्ष के अंतर्गत उपराजधानी नागपुर के सिविल लाइन स्थित डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागृह में BRSP विदर्भ राज्य की ओर से महाराष्ट्र की पहली संविधान परिषद का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने ने की। इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा में 300 खासदार सिर्फ नाम के लिए है। लोकसभा में इन खासदारों के रहने के बावजूद आज तक बहुजन समाज के हित के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके लिए संविधान कानून संशोधन, नए कानून व चुनाव सुधार कार्यक्रमों को गति देना आवश्यक है। एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने का मानना है कि संविधान के 72 साल होने के बाद भी देश की बागडोर कुछ वर्ग के लोगों के ही हाथों में है, जिससे देश का अधिकांश पिछड़ा वर्ग हमेशा से ही सत्ता और सत्ता में हिस्सेदारी से वंचित रहा है। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित संविधान परिषद को 2 सत्रों में रखा गया था। प्रथम सत्र में देशोन्नति अखबार के मुख्य संपादक प्रकाश पोहरे व एडवोकेट भूपेंद्र रायपुरे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। परिषद कार्यक्रम का संचालन विदर्भ प्रदेश महासचिव रमेश पाटिल ने किया। BRSP विदर्भ राज्य की ओर से आयोजित संविधान परिषद के 2रे सत्र में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एवं उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट फिरदौस मिर्जा की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सूत्र संचालन डॉक्टर JB रामटेके ने किया। इस अवसर पर विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष विशेष फुटाने, विदर्भ महासचिव भास्कर बांबोड़े, नागपुर जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद रंगारी, नागपुर विद्यापीठ सीनेट सदस्य शीलवंत मेश्राम, विदर्भ महिला आघाड़ी अध्यक्ष विश्रांति झामरे, डॉक्टर पूनम घनबोड़े, संजय मगर, संजय बोधे, प्रदेश सचिव CT बोरकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। संविधान परिषद में एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने एवं सभी मान्यवरों की उपस्थिति में विदर्भ के सभी जिलों से आए BRSP के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं हित चिंतकों ने शपथ विधि लेते हुए प्रण किया कि किसी भी चुनाव में संविधान विरोधी, अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी, मानव अधिकार विरोधी व बहुजन समाज विरोधी उम्मीदवारों व किसी भी पार्टी को अपना बहुमूल्य मतदान नहीं करेंगे। इस अवसर पर महिला आघाड़ी की सह संयोजिका डॉक्टर पूनम घोनमोड़े द्वारा शपथ विधि का उद्बोधन किया गया। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा के नारों से पूरा सभागृह गूंज उठा। भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को साक्ष्य मानकर गंभीरता से शपथ लेते हैं कि हम मतदाता किसी भी चुनाव में किसी नेता बुद्धिजीवी सामाजिक धार्मिक व्यक्ति संस्था एवं पार्टी इनके कहने पर संविधान विरोधी जनसंख्या अनुसार समान भागीदारी विरोधी अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी मानव अधिकार विरोधी बहुजन समाज विरोधी उम्मीदवार एवं पार्टी को अपना वोट नहीं देंगे तथा प्रत्याशी घोषणा पत्र संविधान प्रति समर्पण सर्व समाज को समान हिस्सेदारी समतामूलक समाज निर्मिति में योगदान योगदान को ध्यान में रखते हुए तथा हमेशा बहुजन समाज हितेशी भूमिका के पक्ष भूमि
बिहार के पक्ष उम्मीदवार इनके ही पक्ष में अपने संविधानिक अमूल्य वोट का प्रयोग करेंगे। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बीआरएसपी द्वारा आयोजित संविधान परिषद को सफल बनाने में नागपुर जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद रंगारी, ज्येष्ठ विचारवंत प्रोफेसर शकील अहमद, नागपुर शहर अध्यक्ष मोरध्वज अड़ाओ, शहर महासचिव अब्दुल मोइन शेख, पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष कमल किशोर, बीआरएसपी गोरेवाड़ा प्रभाग 18 के अध्यक्ष युवराज सिंगाड़े, महिला आघाड़ी अध्यक्ष वंदना लांजेवार, विधानसभा अध्यक्ष सीडी वाघमारे सहित सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा।